किसान व्यू क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। विजेंद्र जी, हाल ही में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, तो ऐसे में अब किसानों को जो दाम मिल रहे थे उसमें अब गिरावट आने की जो आशंका है वो ज्यादा बढ़ गई है। एमएसपी तो 2500 क्विंटल तय की गई है, तो आपको क्या लगता है, क्या अब गेहूं इस फैसले से एमएसपी से भी नीचे बिकता नजर आएगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नीचे बिचेगा। और देखिए, हम तो पहले से ही कहते आए हैं किसानों के दुख दर्द को समझने वाली सरकार नहीं है। सरकार का जो रवैया है, सरकार ने जो देखा कि किसानों की फसल इस समय पक्के रबी की फसल तैयार हो गई और कुछ प्रांतों में तो कट चुकी है, कुछ प्रांतों में कटाई जारी है, जैसे कि यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है। गवर्नमेंट ने देखा किसानों की फसल की आवक शुरू हो गई, हमको फसल किसान देगा नहीं क्योंकि निर्यात खुला हुआ है। जब मार्केट खुला हुआ है तो मार्केट में रेट ज्यादा है, एमएसपी कम है, इसलिए सरकार ने आनंद फानंद में निर्यात पर रोक लगा दी। ये तो जाहिर है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों के साथ सरकार अच्छा रवैया नहीं कर रही है। इस समय अगर सरकार को देखना था तो निर्यात को खुले दरवाजे रखती जी, जिससे किसान को अपनी फसल का उचित मूल बाजार में मिल जाता। जी विजेंद्र सिंह जी, जैसा आपने बताया था, बोला कि अभी सरकार को निर्यात के दरवाजे खुले रखने चाहिए थे, सरकार ने खुले भी रखे, लेकिन ये जो निर्यात हो रहा था, ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये अनियंत्रित तरीके से था। मतलब कहने का ये है कि गेहूं का निर्यात तो हो रहा था, लेकिन कितना निर्यात होना चाहिए कि जिससे कि अपने भारत में उसकी कमी ना हो, फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा पर कोई उंगली ना उठे, उसमें कुछ कमी ना आए, उसके लिए उसके मद्देनजर सरकार ने ऐसा किया है, तो आपको नहीं लगता कि नियंत्रण होना चाहिए कहीं ना कहीं इस पर भी? नहीं नहीं, अभी तो देखो, किसान को क्या पता भंडारण कितना है। ये तो हम अभी तो एक सप्ताह पहले ही अपने पेपर में, इन्होंने पेपर में खुले लिखा था, और प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जब गए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं सुरक्षा के भंडार हमारे यहाँ, खाद्य सुरक्षा के भंडार हमारे यहाँ पूरे हैं, हम सबको सप्लाई करेंगे, सबको वो देंगे, खाद्य सुरक्षा देंगे। तो हम तो कह नहीं रहे इस बात को, माननीय प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं जी, जब इनके पास भंडारण पूरा है तो क्यों नहीं वो किया गया, क्यों निर्यात रोक दिया गया? जी निर्यात नहीं रोकना चाहिए था, सरकार ही तो कह रही है। सरकार ने पेपर में, अपडेट तो मैं नहीं बता सकता, एक सप्ताह पहला, लगभग 8-10 दिन पहले पेपर में खुला वो था, और टीवी पे मैंने पढ़ा था, टीवी में मैंने देखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश में गए हैं, उन्होंने कहा है और संतरा दिया है कि खाद्य सुरक्षा के ऊपर बोले हैं कि हमारे यहाँ पर्याप्त भंडार है जी, तो निर्यात बंद करना ही नहीं चाहिए था। अब किसान को उसका उचित मूल्य मिल रहा था, यानी कि 100 रुपए एमएसपी से, 100 200 कहीं 150, हर स्टेट में अलग अलग था, किसान को फालतू रेट मिल रहा था। तो किसान एमएसपी पर इनको सरकारी केंद्रों को ना देकर प्राइवेट एजेंसियों को बेच रहा था, प्राइवेट बनियाओं को, अब उसको उचित मूल्य मिलने लगा, तो इन्होंने देखा कि किसान को तो 100 200 500 फालतू मिल जाएगा, तुमको भंडारण, मतलब जितना भंडारण इनको चाहिए उतना इनके पास पर्याप्त है, पर इनको है क्या, इनको तो अपनी अपनी ढगली, अपना राग अपनाना है, इनको जो वो फायदा पहुंचाना है सरमाएदार को और सरकार को, किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना है इनको। हम तो ये कहते हैं एमएसपी के ऊपर, जब ये चलो एमएसपी के ऊपर भी बात में आपसे कहता हूं, आपका क्वेश्चन नहीं है मेरे से, अगर एमएसपी वाली बात थी तो पूरे वर्ष प्रतिबंध होना चाहिए, एमएसपी के ही रेट पूरे साल बिचेगा जी, क्यों नहीं कर दिया जाता कि सरकार में, क्या हमारे उससे थोड़ा ही चल दिया, हमने तो इनको बना के भेज दिया उसमें, सरकार को विधानसभा में भेज दिया और लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को भेज दिया, वहां वो कानून बनाए कि एमएसपी पर ही पूरे वर्ष हर खाद्यान्न बेचा और खरीदा जाएगा, और निर्यात करते हैं तो वो उसका जो प्रॉफिट वो गवर्नमेंट को होगा, क्यों नहीं उसको लागू कर दिया जाए, लागू नहीं करते जी। अब किसानों का अनित होगा, होने दीजिए, इनको थोड़ा ही लग रहा है कि किसानों का अनित होगा इसमें।
विजेंद्र सिंह जी, कहीं ना कहीं ये भी बात देखनी जा रही है कि किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम तो मिल रहा था, अच्छी बात है कि हमारे भारत के किसानों को दाम ज्यादा मिल रहा है, भारत पूरी दुनिया का पेट भी भर रहा था अपने उगाए गए गेहूं से, और इसका जो श्रेय है वो सिर्फ हमारे किसानों को ही जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि जो 10 किलो आटे की थैली 300-350 रुपए की आती थी, आज वो 400 रुपए से भी ऊपर की हो गई है। तो ऐसे में आम जनता के भी जेब पर असर पड़ रहा था। किसानों को तो दाम मिलने ही चाहिए, लेकिन आम जनता का भी थोड़ा ख्याल होना चाहिए, क्योंकि अगर एमएसपी से ज्यादा पर खरीद होगी तो उसका असर कहीं ना कहीं आम जनता पर भी पड़ेगा। आम जनता नहीं चाहती कि किसानों का नुकसान हो, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा कुछ मसौदा तैयार होना चाहिए कि किसानों को उनकी लागत अच्छी भी मिले, किसानों को मुनाफा भी हो और आम जनता भी महंगाई की मार में ना मरे? देखिए ऐसा है, किसान मजदूर का तो साथ है, बिल्कुल किसान मजदूर एक साथ चलता है, ये आपको मानना पड़ेगा। किसान एक किसान के परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं, तो पांचों वो खेती ही हर मजदूर हैं, और उसके बराबर में कुछ और लोग जो निवास करते हैं गांव में देहातों में, वो भी किसानों के सहारे जीते हैं, वो भी वहीं अपना उनका काम धंधा व्यवसाय करके कृषि से ही वो सब अपना पालन करते हैं। अच्छा, आप बात आई, आपका प्रश्न था कि 10 किलो का पैकेट 400 रुपए का जो मिल रहा है, वो प्रतिबंध किसान के ऊपर थोड़ा ही है, वो प्रतिबंध तो इनको करना है, उसकी देखरेख तो इनको करनी है। उसका मान लो 400 रुपए का बिचरा था, उसका पैसा क्या किसान के पॉकेट में आ रहा था? उसका पैकेज जो मुनाफा था वो व्यापारी के पॉकेट में जा रहा था, उस पर प्रतिबंध इनको करना चाहिए, उसका कौन, उसको कौन करेगी? इसीलिए तो मैंने कहा कि एमएसपी अगर लागू करके पूरे वर्ष प्रतिबंध होना चाहिए, इस एमएसपी से ज्यादा खरीद नहीं होगी जी, कम नहीं होगी, उसको मद्देनजर देखना चाहिए। वहां विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, उनको यह देखना चाहिए कि किसानों को मुनाफा कहां तक मिल जाएगा, उचित रेट कहां तक मिल जाएगा। 2015 में किसान को उचित रेट नहीं मिल रहा, ये भी मानते हैं, ये जानते हैं कि किसान को उचित रेट नहीं मिल रहा जी। मान लो उसको 200-400 रुपए जो भी उचित रेट मिलता, उसको उतना बढ़ा करके उतने पर क्लोज कर देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बिचेगा। तो किसान की एक परवी बन जाएगी, वो भी ये देख लेगा भाई इससे ज्यादा तो बेचेगा ही नहीं, हमने अब बेच लो या आगे चल के बेच लो, खुले मार्केट में बेच लो या सरकार को दे दो, वो तो प्रतिबंध हो जाएगा किसान का वहां। अब आती है मार्केट वाली बात कि इतना मुनाफा है क्या? ये जो बीजेपी सरकार है सरमाएदारों की है, सरमाएदारों को मुनाफा अगर ये नहीं पहुंचाएगी तो सरकार नहीं आएगी, ये मैं आपको बता ही देता हूं, ये स्पष्ट है, सब जानता है, हर बच्चा जानता है, और पॉलिटिक्स जो सरकार है वो सब जानती है। 400 रुपए का पैकेट बिका 40-45 रुपए किलो, हमसे जो 21 रुपए किलो लेकर के 19 रुपए किलो का मुनाफा जो कमा रहा है, चलो उसमें 2-4-5 रुपए का खर्चा आ जाएगा, 15 रुपए किलो का मार्जिन, यानी 1500 रुपया क्विंटल मुनाफा कौन ले रहा है? सरमाएदार, किसान को मिल रहा है, उसमें दोनों सरकार और सरमाएदार दोनों गुनेगार है, किसान नहीं है उसमें गुनेगार। उस महंगाई को तो सरकार रोक सकती है, उसको हम नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते जी, वो तो खुला दरवाजा है। उस पर अभी कुछ दिन पहले इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो विशेषज्ञ और जो मंत्री जी बैठे, एक एमएसपी के ऊपर ही और कुम्हार का जो नहीं होता है डाल देते हैं, रेट लिस्ट पे आया था, जब उसको इतना टाइट हम कर देंगे कि हर किसी का एमआरपी से ज्यादा नहीं बिचेगा, हमने तो आज भी मार्केट में देखा है एमआरपी से ज्यादा बिचने की तो बात कहा नहीं कि एमआरपी वो अपना ही छाप देते, एमआरपी इतना ज्यादा छाप देते हैं कि ग्राहक कितना कम करेगा जी, उस पर भी तो एक प्रतिबंध होना चाहिए जी। जब प्रतिबंध हो जाएगा, नियम कानून टाइट हो जाएंगे तो सब धीरे धीरे रुक जाएगा। हालांकि व्यवस्था में सुधार हो रहा है, उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये करना चाहिए, इसका मुनाफा किसान को नहीं मिल रहा। किसान को तो जो मिलना था 150 वो मिला, अब नहीं मिलेगा, निर्यात रुक गया, अब होगा क्या? किसान मार्केट जाएगा, बनिए जो भी साहब खरीद रहे प्राइवेट एजेंसियां वो सस्ता खरीदेंगे, 2015 का गवर्नमेंट खरीद रही है, फिर गवर्नमेंट को जाने लगेगा, उसका मुनाफा सरकार प्लस सरमाएदारों को मिल जाएगा जो निर्यात करेंगे।
ये है जी, यानी कि अगर सरकार कोई भी फैसला लेती है जी, किसानों की एमएसपी पर तो असर पड़ जाता है, किसानों को एमएसपी से नीचे दाम तो मिल जाता है, लेकिन जी, सरकार जिस उद्देश्य से करती है कि एमआरपी यानी कि जिस खरीद जिस मूल्य पर आम जनता खरीदती है उस उत्पाद को, उस फसल से बने हुए उत्पाद को, उसकी कीमतें कम नहीं होती है, चाहे गेहूं हो चाहे खाने का तेल ही क्यों ना हो। यही गेहूं की तरह हमने खाने के तेलों में भी देखा है जी, एमएसपी से नीचे में तो किसान अपनी मजबूरी में फसल बेच देता है, लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है वो कम ही नहीं, वो ही पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में जो जमाखोर होते हैं, जो पहले से ही बीच में बैठे होते हैं, उसकी वजह से जो किसानों से सस्ते में खरीद के महंगी में बेची जाती है, सरकार को इनको बीच से हटाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और सरकार भी ऐसा चाहती है कि किसानों को एमएसपी भी मिले और आम जनता को ज्यादा भार भी ना मिले। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। और सरकार की ये सरकार की, हर सरकार की, मैं तो ये कहता हूँ, हर सरकार की प्राथमिकता भी होनी चाहिए जी। और मैं देखो वो नहीं कर रहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पहल पर बहुत ज्यादा हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं सरकार से सटे हुए जरूर हैं, जमाखोर जो है वो सरकार से कहीं ना कहीं लिंक जरूर है, मैं ये नहीं कहता। और माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा अपना स्कोप बना के अच्छा कर रहे हैं कि हर चीज को एक कंट्रोलर बना दिया जाए, एक रिमोट सिस्टम बना दिया जाए, पर क्या किया जाए कि ये कहीं ना कहीं अपना टच बनाए हुए हैं अभी, ये तो काफी समय लगेगा। अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2-3 बार अगर अभी यही रिपीट प्रधानमंत्री जी हो, तब जाके रिमोट एकदम हाथ में आएगा, तब इन पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि अकेले सिस्टम को तो देख नहीं सकते, आदेश ही तो पारित कर सकते हैं, अब आदेश को हम उनके को फॉलो करें ना करें, बीच में ये हो रहा है जी, उनको करना चाहिए और थोड़ा टाइट में लेना चाहिए। और उसी से देखो जिस देश का हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी है, किसान कृषि इसी से है, हमारी अर्थव्यवस्था तो चरमरा जाएगी, हमारा तो पूरा वो हो जाएगा, चौपट हो जाएगा हिंदुस्तान का, इनको बिल्कुल उस पर टाइट में लेना चाहिए जी। अब खरीफ की फसल का सीजन शुरू होने वाला है, उसकी ओर ये ध्यान केंद्रित नहीं है। देखो तो मैं अपने यूपी की बात कहता हूं, 2 फरवरी 2019 से सामान्य योजना के अंतर्गत बिजली ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाते हैं, उनके लिए 2019 से सामान्य योजना का बजट जारी नहीं किया यूपी गवर्नमेंट ने, तो क्या खरीफ की फसल में वो किसान अपनी अरहर उर्द ज्वार मक्का बाजरा जो भी धान फसल जो उगाएगा वो क्या उगा सकता है, 2019 से बैठा है, ध्यान ही नहीं है। वैसे कहते हैं हम ये भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब डिपार्टमेंट अगर इन्हें पूछ लिया जाए कि आपने सामान्य योजना के अंतर कितने कनेक्शन 2019 के बाद दिए, तो फट से निकल के आ जाएगा जीरो, क्यों नहीं दिए, क्या किसान की चिंता थी आपको। अब जिस पे पैसा है वो अपना ट्यूबवेल कनेक्शन लगवा लिए, वो अपना भर सिंचाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में हमारे में कमी जरूर है, और कहीं ना कहीं ये घूसखोर अपना सरकार से सटीक बनाए बैठे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए जी। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार।